मैजिकल रियलिज्म क्या होता है। 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जोस बुंडिया। तो ये जो जोस बुंडिया है ये बड़ा शरीर से ताकतवर है, बॉडी से जो उसकी फिजिकलिटी है एक्सट्रीमली पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि जब वो घर में एंटर करता है तो ऐसा लगता है घर में भूकंप आ गया, पूरा घर हिल जाता है, बड़ी बड़ी कारें उठा उठा के ऐसे फेंक देता है। तो शरीर से ताकतवर है, लोग देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, यार जोस बुंडिया। और बड़ा जीदार आदमी है। एक जगह ऐसा हुआ है कि जोस बुंडिया का एक भाई होता है ओरलैनो, ओरलैनो को मारने के लिए कब्रिस्तान के आसपास उसका घर होता है जोस बुंडिया का, तो उसके भाई को वहाँ लेके आते हैं, वो अपने मेन घर में नहीं रहता, कब्रिस्तान के पास रहता है। तो उसके भाई को ओरलैनो को जो दुश्मन होते हैं वो लेके आते हैं मारने के लिए, और एक समझ लीजिए बड़ा पोल होता है उस पर बांध देते हैं और उसको शूट करने वाले होते हैं। इतने में जोस बुंडिया अपनी जान की बाजी लगा के, सोचो वहाँ बहुत सारे थे एनिमीज मारने के लिए, लेकिन जो उसका भाई होता है जोस बुंडिया वो अपनी जान की परवाह करे बिना हाथ में उसने गन पकड़ी और सबको मारता हुआ आता है, दूर से मारता हुआ आ रहा है, कोई परवाह नहीं है, जान चली जाए तो चली जाए। तो आप देखेंगे बड़ा बहादुर है, बड़ा वैसा बंदा है, शरीर से ताकतवर है, बहादुर है, जान की बाजी लगाता है, जाबाज है। लेकिन कहानी में, अब यहाँ से मैजिकल रियलिज्म समझ में आएगा मैजिकल रियलिज्म क्या होता है। कहानी में जब जोस बुंडिया की डेथ होती है, एक कमरे में जाता है और एक आवाज़ आती है गोली की, धाएं, और वो मर जाता है। अब ये नहीं मालूम पड़ता कि सुसाइड किया क्या किया, ये नहीं कोई जानता, लेकिन आवाज़ आती है, इतना ताकतवर बंदा है और वो मर गया। उसके शरीर से खून निकलता है और जो खून है उस कमरे से निकलता है, घर से निकलता है, और फिर पूरे टाउन में खून घूमता हुआ जाता है बहुत दूर तक जाता है। क्योंकि मैंने बोला जोस बुंडिया रहता कहाँ था, कब्रिस्तान के पास एक जगह रहता था, मेन घर में नहीं रहता था जहाँ उसके माँ बाप थे। तो उस घर से निकलता हुआ खून पहुँचता है सीधा उसके मेन घर में, उसके मेन घर में भी मेन गेट सेंटर ही लेता है, मेन पहले कमरे में जाता है, पूरा लॉबी में से होता हुआ जाता है, पूरा घर घूमता हुआ पहुंचता है किचन में। क्यों? किचन में होती है उसकी माँ जोस बुंडिया की, और जैसे ही वो खून देखती है वो समझ जाती है ये जोस बुंडिया का खून है। भागती है वो नंगे पैर, है किचन में से निकल के भागती है, सड़कों पर भाग रही है, नंगे पैर भाग रही है, और सीधा उसके घर में पहुंचती है जोस बुंडिया के, जो कब्रिस्तान के पास है। दरवाज़ा खोलती है, धाड़, बाहर वाले रूम में जोस बुंडिया की बीवी है, उसको नहीं मालूम पड़ा, लेकिन माँ पहुंचती है, और जैसी दरवाज़ा खोलती है उसका जोस बुंडिया का रूम का, तो देखती है कि जोस बुंडिया डेड है, उसकी लाश पड़ी है, बारूद की जो स्मेल है पूरे कमरे में आ रही है। तो ये है मैजिकल रियलिज्म कि वो जो खून है वहाँ से निकल के कैसे वहाँ तक पहुँचा। अभी क्यों इसको रखा है आप सोचो, अब ये मैजिकल एलिमेंट लगता है, ऐसा थोड़ा ना होता कि खून निकल के वहाँ तक चला जा रहा है। खून इसलिए रखा है क्योंकि ये दिखाने के लिए वो जो कैरेक्टर है वो कितना पावरफुल है जोस बुंडिया, कि जब वो मर रहा है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है पूरी कहानी पर। और आप देखेंगे इन जनरल भी, आप देखेंगे ये दिखाने के लिए कि कहीं लाइफ में सच में ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जो लार्जर देन लाइफ जिंदगी जीता है, जो कम जिएगा पर जिएगा राजा जैसा, इतना जाबाज होगा कि उसके सामने 50 खड़े हैं 100 खड़े हैं वो अकेला लड़ जाएगा, सिर्फ परवाह नहीं अपनी जिंदगी की, इतना उसके अंदर इतना फियरलेस होता है, इतना जाबाज होता है वो, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे ही जोस बुंडिया है, फियरलेस, फिजिकलिटी एक्सट्रीमली पावरफुल, और मेन ऐसा लगता है, और ये बात सच है, जब कहानी में उसकी डेथ होती है तो उसके बाद कहानी बड़ी ऐसा लगता है कुछ जान से निकल गई हो, कहानी से आत्मा से निकल गई हो, तो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है अगर आप कहानी उसको पढ़ेंगे। तो ये मैजिकल रियलिज्म है, इस लेवल का एक मैजिक सा क्रिएट करना लगेगा, लार्जर देन लाइफ ऐसा लग रहा है, बट उसको दिखाने का रीज़न है क्योंकि वो कैरेक्टर में सूट कर रहा है, वो कैरेक्टर है ही ऐसा। तो ये मैजिकल रियलिज्म है।